फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। सुबह के बज चुके 6 और आशा दीदी भी उठ गई हैं। भैया बस लेके हुए हैं तो हमने पानी गर्म किया है। पहले पानी देंगे फिर चाय बन रही है, चाय देने जाएंगे। ये देखिए दीदी हमारी आ गई है। आजा दीदी। अरे तो किस शक्ल कोई नहीं देख रहा, हमारी दीदी आ गई देख। चलो आप हुआ फिर मुँह तो लिया, फिर हम चाय बनाते। तो दीदी आने में थोड़ा सर हमने तो पीयू देखिए, पीयू आ रहा आज स्कूल नहीं गए, बोल रहे टीचर आ नहीं रहे, क्या करना है स्कूल जाके अभी, क्योंकि अरब का भी रीजनल चल रहा है तो अरब के क्लास टीचर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। 2 दिन से अब कल अरब जाएगा रीजनल के लिए, तो इसलिए बोला मैं नहीं जाऊँगा। पीयू जो मैं भी नहीं जा रही, मेरी भी क्लास में ऐसे ही हो रही पढ़ाई, क्योंकि अभी दूसरा सेशन शुरू होने वाला है तो पढ़ाई फिर ऐसी तरीके से हो रही है। तो बोली आज मैं भी नहीं जा रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो पानी गर्म हो चुका है, चलो भैया को पानी दे के आते हैं। पीयू ने निकाल दिया पानी, तो पानी दे के आते हैं। तो गाइस दीदी ब्रश कर रही थी, ब्रश करके रेडी है और अभी हम चाय बना ली है। तो भैया को और दीदी को चाय देते हैं, मैंने भी ली है थोड़ी सी, तो अभी चलो चाय पीते हैं चाय। तो गाइस हमारा तो पोपट हो गया, हम चाय बना के ले गए थे। तो चाय में चीनी डाली, फिर जब चाय छान के ले गए तो कल्याणा ने आए चीनी तो मैंने डाली, लेकिन मैंने दी नहीं थी किसी को, आशा दीदी तक ही पहुंची थी, एकदम से ध्यान आ गई कर रहे थे तो मैंने चाय उन तक पहुंची नहीं, तो मैंने कहा चलो अब फिर से चाय को पकाते हैं, चीनी डाल के फिर से पकाई है, नहीं तो भैया को दीदी से भैया क्या सोचते हैं, इसको चाय बनानी नहीं आती। दीदी बोली पीती है नहीं तो आदत कहाँ से होगी, मैंने कहा कुछ भी बोलो, तो इसलिए मैंने अभी चाय, मेरी चीनी वाली चाय रेडी हो चुकी है, अभी देते हैं पहले भैया। भैया हेलो, भैया ने चाय ली। भैया आशा दीदी ने चाय पीने के साथ साथ से ढक लिया, बोले बाल नहीं देखेंगे खराब हो रहे। तो देख लो भाई अब हम क्या कर सकते हैं, हमने तो बोला कोई नहीं देख रहा है, तो अब यहाँ आके भी बहू बनने का उनका शौक है तो भाई बने, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो गाइस अभी घर के 3 मेंबर नाच गए यार, पीयू और भैया को धक्के मार के बाथरूम में भेजा। भैया बोला जाऊं जाऊं, हमने कहा भैया आप चले जाओ, बोले ठीक है जाता हूँ। तो भैया अभी गए, हम और दीदी बैठे हैं अभी देखो पार्क की तरह, अभी हम चलते हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं, तब तक दीदी ना आएंगे है ना दीदी। तो ब्रेकफास्ट में बनाएंगे सैंडविच, तो उसके लिए आलू बॉईल हो रखे हैं, तो आलू छील लेते हैं, कद्दूकस कर लेते हैं और मिर्ची धनिया काट के सब मिला लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं। हमने कहा भैया सोच रहे होंगे कहाँ फंस गए, मन नहीं भी होगा भैया का, तो ज़बरदस्ती हम लोगों ने बोल दिया जाओ ना ला रहे ना आलू, दीदी बोली ना ला रहे ना आलू, तो भैया नहाने गए हैं। तो अभी हम चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, मैंने आलू बॉयल करके रख दिए थे तो अभी हम आलू छीलते हैं। फिर मैं लास्ट में तो गाइस भैया भी नहा चुके हैं, तो आ रहा पीयू और भैया के लिए हम ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। तब तक मैंने हरी चटनी भी तैयार कर ली है, ये देखिए टमाटो सॉस भी है और टमाटो केचप भी निकाल लिया है और साथ में आलू भी मैंने तैयार कर लिया है। तो अभी इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना देते हैं, तीनों नहा चुके हैं, आशा दीदी नहाने गई है, जब तक आशा दीदी ना आएगी तब तक हम इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना के दे देते हैं। तो चलिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। हमारा बन चुका है, आर पी यू कर रहे हैं और उधर भैया कर रहे हैं। देखिए मेरी दीदी रेडी हो चुकी है नाश्ता करने के लिए, तो अभी हम और दीदी नाश्ता करते हैं। आरब का दोबारा नंबर आ गया नाश्ता करने का, हमारा पहली बार आया है, चलिए नाश्ता करते हैं। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कैंटीन। साथ में कौन है? आशा दीदी और पीयू। आरा भी आ रहा है, तो अभी हम चलते हैं। बड़ी अच्छी चल रही है, बारिश नहीं हो रही है, है ना? चलो नहीं तो पागल है क्या, निकलना मुश्किल हो जाता। अभी जाएंगे पहले सुमित्रा मार्केट, कैंटीन तो बाद में, तीनों की पैंट डालेंगे और रफू कराने के लिए, फिर अगर वहाँ नहीं होती है तब फिर मिनी मार्केट तरफ जाएंगे,
मुगल पार्क में भी देखेंगे, सब जगह देखते हुए तब कैंटीन जाएंगे, वहाँ भी नहीं होगी तो जाएंगे कोलावा। सारे ऑप्शन खोल रखे हैं, जो ऑप्शन सूट कर गया वो। देखो आरब भाग रहा, देखो आरब फिर भी कैच हो गया। और यहाँ मिस बिल्डिंग से होते हुए हम लोग मिथुन तरफ से होते हुए जाएंगे, KB2 स्कूल के पास निकलेंगे, उसी के पास तरंग बिल्डिंग में जाके हम लोग कैंटीन का सामान लेते हैं। क्या है हमारे साथ भैया ने भी ज्वाइन कर लिया, भैया जा रहे थे घर, रास्ते में मिल गए, अब हम सब लोग जा रहे हैं कैंटीन। हम लोग तरंग पहुंच गए हैं, ये लोग चढ़े जा रहे हैं जयकारा बोल के। तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली कैंटीन पे। गाइस हम कैंटीन से तो आ गए, थक गए थे, लेट गए। आशा दीदी गई है निशा दीदी के यहाँ पे उनके कपड़े देने, और ये देखो सामान फैला रखा है, पीयू भर रही हैं बाल्टी में सारा सामान तो, और दाल रख दी है पकने के लिए, पीयू नहीं रखी है कुकर में। पूछ के मम्मी धुल के क्या क्या डालें, तो वो डाल के दाल मखनी बनाने के लिए उड़द की दाल रख के आई है कुकर में, तब तक वो पकती है क्योंकि पीयू को आदत है, बोली आंटी ही बनाएगी, तो मैंने कहा ठीक है। ये खाना खबर है, दीदी ने आज दाल मखनी बनाई, दाल मखनी का तड़का दीदी ने लगाया, पीयू लगी है खाने में, दीदी भी आराम से बैठी हैं, इधर आराम बैठे हैं, हम भैया दूसरे रूम में बैठे हैं इसलिए भैया को नहीं ले सकते हैं, और इधर हम बैठे हुए हैं। तो नहीं आया। क्या बात है, देख भाई हम लोग तो इतने बावले हैं, क्रिकेट घूम लिया, अभी ध्यान आ रहा। आरा पीयू भी साथ में थे, उनको कोचिंग छोड़ के बीनू को पैंट देके रफू करने के लिए, और आरब के लिए क्या लिया मैंने, जर्सी ली, आरब को जर्सी ली, पीयू ने शर्ट ली, लेकिन वो घर पे दिखाएंगे, अभी बस इतना ही दिखा पाए जा रहा है, अब क्या दिखाओ ज़्यादा। आजा जल्दी सामने तो आ, ये मेरी दीदी देखो कितनी सुंदर सुंदर लग रही है, मार दिया मार दिया मुझे। हाँ पता है, और एक नई न्यूज़, भैया को हम घर रखा क्या है कि आज घर के राजा आप हो, हम लोग चले घूमने। देखो भाई हम लोग तो कोलावा से आ गए भागम भाग करते हुए, फिर हमने अभी चाय बनाई, इधर भैया चाय पी रहे हैं आराम से, इधर दीदी बैठी है, हम लोग पी रहे हैं, हमने अपनी दिखाई बात टेढ़ी हो गई चाय, देख रही चेस चेस। भैया देखो दोनों काम कर रहे, बात भी कर रहे हो चाय भी पी रहे, हम दीदी समझदार लोग हैं तो एक ही काम करते, चाय पी रहे, चाय की चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी चाय पे चर्चा, आप लोग भी कीजिएगा अपने घर पे फिर बताइएगा। आरब की जर्सी, इसमें पैंट नहीं था, इसके साथ पैंट मैंने अलग से लिया ब्लैक कलर का, और ये न्यू थी तो उसको काफ़ी अच्छी लगी, बोले यही लेना, और पीयू अपने लिए ये पसंद करके शर्ट लेके आए हैं। तो बस इतना ही किया है, बाकी बीनू का था, और जो भी इस टाइम हो गया है 8:30 के करीब हो गया, और हम पार्लर से आए, फिर हमने खाना बनाया, खाना बना के फिर आशा दीदी को फ़ोन करके पूछा, दीदी कब तक आओगे, तो बोले आप लोग खाना खाओ, हम अपने वो अपने देवर के यहाँ घूमने गए हैं, तो बोले हम वहाँ से खाना खा के आएंगे। तो हम लोगों ने खाना पीना कर लिया है और बैठे थे टीवी देख रहे थे। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय।